हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जसबुक डॉट कॉम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दिस इज ऋतुराज अवस्थी एंड गाइस, सुबह को बज गई है 6:06 AM इन द मॉर्निंग। और आप सभी जानते हैं सुबह को 6 बजे हमारा करंट अफेयर का सेशन हुआ करता है दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर सेशन में। गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, भोजपुरी, आदित्य, आशा, दिलीप, जय हिंद। दिलीप कैसे हैं आप? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? डेली हम यहाँ पर सुबह उठ करके करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं, और करंट अफेयर का डिस्कशन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब क्या चीजें हैं जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, राइट? कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? ये सब डिस्कशन करना, ये सब जानना, और खास करके तब जब एग्जाम बहुत नजदीक है ना? तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। गुड मॉर्निंग अनंता। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ऋतुराज सर अंडरस्कोर टेस्ट बुक, ठीक है? याद रखिएगा इनके बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपको सारे सेशन का लिंक और लिंक के साथ साथ आपको PDF वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों? तो ट्रिक ऑफ द डे, ये क्या, ये तो गड़बड़ है। ओके कहा जाता है दोस्तों, आ पॉजिटिव एटीट्यूड वॉन्ट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम बट इट विल अनॉय इनफ पीपल टू मेक इट वर्थ इट, ठीक है? हमेशा जो है ना, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, राइट? जब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, जब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं, आप देखिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक जो पर्टिकुलर जो है ना सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो, है ना? जैसे कहा जाता है कि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको जो है ना उन दोनों पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए। मतलब अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव भी देखिए, आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो आप नेगेटिव भी देखिए, राइट? उससे क्या होगा कि दोनों चीजों में जो बैलेंस है ना, ये बना रहेगा, ठीक है? चलिए तो आगे आते हैं दोस्तों। और आपसे जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क क्वेश्चन पूछा गया था, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर था 249। आप देखो क्या था क्वेश्चन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था सेटअप करना 111.125 लाख मीट्रिक टन हब एंड स्पोक फुलफिलमेंट मॉडल साइलोस एट हाउ मेनी लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन हब और स्पोक फुलफिलमेंट मॉडल साइलो के स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो राइट आंसर कहला जाएगा 249, है ना? 249 यहाँ पे राइट आंसर था। आप लोगों से जब बोला गया था कि भाई आंसर करना है, तो आंसर तो बहुत सारे लोगों ने किया था बट आंसर गलत था। देखो ये ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना, टूवर्ड द मॉडर्नाइजेशन, जो भी पर्टिकुलर फूड ग्रेन है, राइट, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको, आप देखें ना तो जो टेक्निकल टेंडर्स हैं, राइट, जो भी आपके DB4 टेंडर्स हैं, तो 14 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, जो 38 बिड्स यहाँ पर आई थी, 38 बिड्स, ये प्लेस की गई थी, जो भी आपका बंडल्ड लोकेशंस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था सेटअप करना 111.125 लाख मीट्रिक टन हब। अब ये देखिए जो दोस्तों, ये एक हब एंड स्पोक पूर्ति मॉडल यहाँ पर क्या है कि इसमें एक विशेष परिवहन प्रणाली जो मार्ग नेटवर्क को सरल बनाती है और लंबी दूरी की यात्रा के लिए हब नामक केंद्रीय स्थान पर स्पोक के रूप में संदर्भित दूर के स्थानों से माल ढुलाई संपत्ति का आयोजन करती है। ये जो मॉडल है ना, ये रेलवे साइडिंग क्षमता का उपयोग करके थोक भंडारण करना, आवाजाही को सुविधाजनक बना करके जो लागत दक्षता है उसको बढ़ाना,
और संचालन और परिवहन की लागत और जो उसमें लगने वाले समय को कम करने के अलावा देश में जो आर्थिक विकास है, बुनियादी ढांचे के विकास और जो रोजगार सृजन है, इनमें मदद करना, ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों जो है ना आपका कहला जाता है। और आगे आते हैं, सो अब हम बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति ने आंसर दिया था 200, ठीक है, सो सब लोग जो है ना उसी तर्ज पे आगे बढ़ते चले गए, 200 200 200, है ना, जबकि आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 249। गुड मॉर्निंग श्रुति, समझे बात को, 249 आंसर होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, समय है आज के पहले प्रश्न का, आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर दोस्तों। देखिए, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3.29 करोड़ टू अ हाइड्रोजन स्टार्टअप फॉर इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन सेंसिंग एंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। किस राज्य ने हाइड्रोजन सेंसिंग और विश्लेषण प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए हाइड्रोजन स्टार्टअप को 3.29 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा करी है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, क्या कहला जाएगा दोस्तों राइट आंसर? चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए, सही आंसर क्या कहला जाएगा? एवरीबॉडी, और सेशन को सब लोग शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस भी मार्क कर देना सभी लोग, ठीक है। सो यहां पर किसी ने आंसर नहीं किया, खैर राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा महाराष्ट्र। देखो आंसर करो, अगर गलत होता है सो डोंट वरी, आई एम हियर टू करेक्ट यू, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर कहला जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे जो है ना दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज थे अर्थ साइंस के, तो उनके द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहां पे पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस जो भी पेंशन एटॉमिक एनर्जी वगैरह है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह ने 19 अगस्त 2022 को एक्सप्रेस किया था अपना ग्रेटिट्यूड जो भी इंडिजीनियस डेवलपमेंट है ना हाइड्रोजन सेंसिंग और एनालिसिस टेक्नोलॉजी के लिए, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट अनाउंस किया गया था 3.29 करोड़ रुपए हाइड्रोजन स्टार्टअप के लिए महाराष्ट्र से, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये जो एनएचएम है, एनएचएम को बोला गया दोस्तों नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है ना, तो ये अगर आप यहां पर देखें, ये इसका उद्देश्य रखा गया था सरकार के द्वारा जो भी पर्टिकुलर क्लाइमेट गोल्स हैं और इंडिया को जो है ना मतलब एक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन ध्यान रखिएगा, और इसमें इंडिया ने जो है ना एक टारगेट रखा था 175 गीगावाट का 2022 तक, यूनियन बजट 2021 में अनाउंसमेंट किया था, और 1500 करोड़ रुपए का अलोकेशन भी दिया गया था। हाउ मेनी क्रोर रूरल हाउस होल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप बाई जल जीवन मिशन ऑन 19 अगस्त 2022? गुड मॉर्निंग सूरज, 19 अगस्त 2022 को कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के द्वारा नलों के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है? राइट, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ और 20 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा दोस्तों? राइट आंसर यहां पर कहला जाएंगे 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ इसका राइट आंसर कहला जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन की बात हो रही है, तो 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी 2019 में, ठीक है, 15 अगस्त 2019 में जब शुरुआत हुई थी जल जीवन मिशन की।
सकते हैं। जल जीवन मिशन की यहाँ से जो है ना क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ से जब शुरुआत हुई थी तो आप देखो कि मोदी जी ने लाल किले से 3.23 करोड़, राइट, 3.23 करोड़ हाउस होल्ड को, गांव को पाइप्ड वाटर कनेक्शन की बात कही थी, और 3 राज्य, गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, है ना, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन्होंने तो 100% कवरेज दे दिया। ठीक है, 10 करोड़, और उनमें से देखो 100% कवरेज, यानी कहाँ पे हर घर नल से जल ये पहुंच रहा है दोस्तों। तो जब आप स्टेट की बात करोगे, राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य की बात करें दोस्तों, सो यहां पर क्या लिया जाएगा आपका, गोवा, तेलंगाना और हरियाणा। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, और जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें आ जाता है पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, और दोस्तों इसके साथ साथ जो है ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहां पर तो आप अगर देखें तो 100% रिपोर्ट हो चुका है टैप वाटर, मतलब हर व्यक्ति को किससे मिलेगा, हर व्यक्ति को जो पानी है वो पाइपलाइन से ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, और देखो आंसर करना है स्टार्ट कर दो, गलत होएगा कोई दिक्कत नहीं ना, मैं हूं तो यहां पे करेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस ऑन 19 अगस्त 2022 अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत 19 अगस्त 2022 को कितने गांवों ने खुद को ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया है, राइट, कितने गांवों ने खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इनमें से जो है ना, इनमें से 1 लाख तो क्रॉस हो चुके हैं, वेरी गुड अनंत, राइट आंसर कहला जाएगा जो है ना 1,14,462, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो सरकार का था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये अचीव किया गया था, एक अनदर अचीवमेंट था, और 19 अगस्त 2022 को 1,01,462 गांव जो थे ना इनको डिक्लेयर किया गया था एज द ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, और ये जितने भी थे ना ऑल ऑफ दीज जो भी पर्टिकुलर विलेजेस है ना, तो इनका जो ODF स्टेटस है ये अगर आप देखो तो मतलब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये प्लेस करता है जो सॉलिड हो गया, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, और ये कंटिन्यू करता है मतलब जो क्लीनलीनेस है गांव की, राइट। तो ये आ जाएगा दोस्तों। आगे देखें, शिरडी महाराष्ट्र में 5 दिवसीय सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि कार्यशाला में भाग लेने के लिए NMCG द्वारा कितने किसानों को सुविधा प्रदान की गई है, हाउ मेनी फार्मर्स हैव बीन फैसिलिटेटेड बाई द NMCG टू पार्टिसिपेट इन अ 5-डे सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप एट शिरडी महाराष्ट्र, क्या कहला जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। जब हम राइट आंसर देखते हैं सो ये कहला जाएगा दोस्तों 30 30 इसका राइट आंसर कहला जाएगा, है ना। मतलब यहां पर आप देखिए कि जो स्वच्छ गांव के लिए मतलब ये था ना, तो 18 से 22 अगस्त 2022 तक स्वच्छ गंगा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन फॉर
क्लीन गंगा। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था ना, इसके लिए थर्टी फार्मर्स, जो भी आपकी गंगा बेसिन है ना, तो गंगा बेसिन के 30 फार्मर ये भेजे गए थे सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कार्यशाला में भेजे गए थे, और ये जो है ना उन्हें ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो कब से कब तक की बात है वो जो है ना, मतलब वहां पर गए थे। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो जो कार्यशाला है ना, वो कार्यशाला 18 से 22 अगस्त तक रही है, ठीक है। 22 अगस्त को खत्म हो गई। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपला ने 19 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की 9वीं आम सभा की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में निम्नलिखित में से कौन सा मार्केट प्लेस फीचर ऑनलाइन लॉन्च किया है? फिश बाजार, एक्वा बाजार, वाटर बाजार और मत्स्य बाजार। कौन सा फीचर लॉन्च किया है दोस्तों? तो राइट आंसर कहला जाएगा एक्वा बाजार, ठीक है। एक्वा बाजार इसका राइट आंसर कहला जाएगा। और देखिए, जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपला हैं, 19 अगस्त की बात है, राइट, 19 अगस्त को इनके द्वारा जो है ना, तो मत्स्य विकास बोर्ड की जो 9वीं आम सभा की बैठक थी उसके दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को, जो ऐप में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर जिसे एक्वा बाजार कहा गया, ये लॉन्च किया गया था। इसे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है ना, ICARCIFA, तो भुवनेश्वर के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा जो है ना, इसे समर्थित किया गया था। 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल किस देश पहुंच गया है? तो आप यहां पर देखिए, जब हम बात करेंगे कि भाई ये पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पहुंचे हैं, तो एक इंडिया का जो एयरफोर्स टीम है ये जो है ना पहुंची है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की टीम जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया पहुंची है पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी आपका एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 है, और ये कहाँ पे होने वाली है दोस्तों? तो ये होने वाली है डार्विन, ठीक है, डार्विन में होने वाली है 19 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। ठीक है, डार्विन में होने वाली है ये 19 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर के बीच में। और दोस्तों ये अगर आप देखो तो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और जो मतलब फोकस किया जाएगा, जो लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक स्मारक सेवा में भारतीय राष्ट्रीय सेना के किस वयोवृद्ध मेजर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पेड अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू विच वेटरन मेजर टू ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एट मेमोरियल सर्विस हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 19 अगस्त 2022। तो राइट आंसर कहला जाएंगे दोस्तों ईश्वर लाल सिंह। देखिए, जब हम ईश्वर लाल सिंह जी की बात करते हैं ना, तो ईश्वर लाल सिंह जी ये मतलब जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना के वयोवृद्ध मेजर रहे हैं, है ना, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और मेजर ईश्वर लाल सिंह जी का जो अस्थि कलश था, ये माल्यार्पण करने के बाद रक्षा मंत्री जी ने लगभग 3 साल पहले सिंगापुर में जो इंडियन INA के जो दिग्गज के साथ जो है ना मुलाकात में याद किया था। और मेजर ईश्वर लाल सिंह अगर आप देखें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के मेजर थे। सिंगापुर में 5 अगस्त 2022 को उनका 22 वर्ष 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
इनका निधन कहां पर हुआ दोस्तों? सिंगापुर में। सिंगापुर में इनका निधन हुआ। और कितने वर्ष के थे? सो दोस्तों ये कहला जाएंगे आपके 92 ईयर, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ दोस्तों। आगे देखिए, विच मिनिस्ट्री इन कोलाबरेशन विद द नेशनल म्यूजियम एंड एधेराज बालडोटा फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन सूत्र संताति ऑन 19 अगस्त 2022। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय संग्रहालय और अभराज बालडोटा फाउंडेशन के सहयोग से देश में 19 अगस्त 2022 को सूत्र संतति प्रदर्शनी का आयोजन किया है? सो राइट आंसर दोस्तों यहां पर क्या कहला जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय जिसको अपन कहते हैं। सो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये जो सरस्वती संस्कृति मंत्रालय है, इसके सचिव जो हैं गोविंद मोहन, इनके द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। इनके द्वारा जो है ना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था 19 अगस्त को। और ये कब तक जारी रहेगी? तो ये जाएगी दोस्तों 20 सितंबर 2022 तक, 20 सितंबर 2022, 20 सितंबर 2022 तक जाएगी दोस्तों ये, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो मतलब एक स्वतंत्र भारत के रूप में जो है ना 75 वर्ष मनाने के लिए 19 अगस्त से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 19 अगस्त 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपेडा द्वारा किस फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी? अ वायर सेलर मीट वॉज ऑर्गेनाइज बाई अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन 19 अगस्त 2022 टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ विच फ्रूट? स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी और एवोकाडो। कौन से पर्टिकुलर फल की बात करी गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट था दैट इज कॉल्ड एज द ड्रैगन फ्रूट, है ना। जो ड्रैगन फ्रूट है ना, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली पहल जो है ना, ये कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के द्वारा करी गई थी। अच्छा, अपेडा है क्या? अपेडा अगर आप देखें सो दोस्तों इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। अगर आप अपेडा के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये आपका जो है ना डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अपेडा का फुल फॉर्म कहला जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा कहला जाएगा। सो दोस्तों इसके द्वारा अगर आप देखो तो मतलब ड्रैगन फ्रूट के बढ़ाने के लिए किया गया था। 20 अगस्त 2022 को मॉरिशस के लिए एक नौका विहार अभियान को किस राज्य से हरी झंडी दिखाई गई है? अ बोटिंग एक्सपेडिशन टू मॉरिशस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट ऑन 20 अगस्त 2022? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और केरला। तो नौका विहार अभियान को जो है ना राज्य से हरी झंडी दिखाई गई, तो वो राज्य कहला जाएगा दोस्तों गोवा, ठीक है। जो कॉमोडोर संजय पांडा है, राइट, जो कॉमोडोर है संजय पांडा कमांडिंग ऑफिसर है INS मांडोवी के, संजय पांडा
दोस्तों ये जो संजय पांडा है ना, ये कॉमोडोर है। INS मांडवी के, तो इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था जो भी पर्टिकुलर सेलिंग एक्सपेडिशन था गोवा से पोर्ट लुइस मॉरिशस 20 अगस्त 2022 को, ठीक है। मतलब मॉरिशस में भी कहां पे, सो दोस्तों मॉरिशस में भी आप देखें तो पोर्ट लुइस। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, हाउ मेनी पीपल डाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन ड्यू टू 2.5 पोल्यूशन इन दिल्ली 2019। सो यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट मतलब लाई गई, राइट, रिपोर्ट लाई गई, और रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो 2.5 मिलियन, राइट, 2.5 मिलियन PM के पोल्यूशन में दिल्ली में लगभग प्रति 1 लाख आबादी में कितने लोगों की मौत हुई थी, तो राइट आंसर कहला जाएगा दोस्तों 106, ठीक है, 106 और 99 पीपल जो है ना ये 1 लाख पॉपुलेशन में मारे गए थे। आप सभी जानते हैं दिल्ली जो है ना, तो दिल्ली में पॉपुलेशन जो है ना पोल्यूशन सबसे ज्यादा है ना, दिल्ली में अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पोल्यूशन, राइट, प्रदूषण यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो प्रदूषण है ना, ये प्रदूषण के कारण यहाँ पे लोग 1 लाख में, जैसे मान लो अगर 10 लाख है तो 106 × 10 आप कर दो, यानी 1060 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट, विच कंट्री हैज 20 सिटीज विद द हाइजेस्ट रिडक्शन इन PM 2.5 पोल्यूशन फ्रॉम 2010 से 2019। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 तक किस देश में PM यानी प्रदूषण में सबसे ज्यादा कमी वाले 20 शहर हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और पाकिस्तान। सो इसका दोस्तों सही आंसर अगर आप देखें, राइट आंसर कहला जाएगा चाइना, ठीक है, चीन इसका सही उत्तर कहला जाएगा। और यहाँ पे जो चीन है ना, तो मतलब जो एयर क्वालिटी हेल्थ सिटीज रिपोर्ट में 20 शहर हाइजेस्ट रिडक्शन हुआ है, जो मतलब पॉल्यूशन था 2.5 PM में 2010 से 2019 के बीच में, है ना। ये PM 2.5 है क्या? तो दोस्तों PM 2.5 रेफर करता है एक कैटेगरी, ठीक है, ये जो है ना, PM 2.5, ये एक कैटेगरी को रेफर करता है, ठीक है, कैटेगरी को रेफर करता है कि जहां पर जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल है, जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल है, तो इनका साइज, टू पॉइंट फाइव माइक्रोन, जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, डस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इनका जो साइज है ये 2.5 माइक्रोन जो है ना, ये 2.5 माइक्रोन या इससे ज्यादा हो तो उसे अपन जो है ना 2.5 माइक्रोन पॉल्यूशन बोलते हैं। DARPG विल कोलाबरेट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू अपग्रेड ई ऑफिस वर्जन 5.6 टू वर्जन 7.0। DARPG ई ऑफिस संस्करण 5.6 को संस्करण 7.0 में अपग्रेड करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा? सिक्किम, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश।
क्या हो गया? आंसर करते चलो भाई। आशा, सूरज, आदित्य, अनंत है, सब लोग एकदम बिल्कुल सन्न कैसे बैठ सकते हो? श्रुति, भोजपुरी, दिलीप है, इतना सन्न सब लोग कैसे बैठ सकते हो ये बताओ मुझे। अरे कुछ भी गलत होता है, गलत गलत कुछ भी आंसर करो, आंसर तो करो। अरुणाचल प्रदेश इसका दोस्तों राइट आंसर कहला जाएगा, है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने कोलेबरेट किया था, जो भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना। 2 डे रीजनल कॉन्फ्रेंस, 2 दिन का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस था। अच्छा, DARPG अगर आप देखो तो इसका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसे कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, ये आपका कहला जाता है, मतलब इससे आप बोलते हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, क्या बोलते हैं इसको, प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। आगे देखिए दोस्तों, व्हेन इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा दोस्तों, 20 अगस्त, ठीक है, मतलब शनिवार के दिन जो है ना मॉस्किटो डे, मच्छर दिवस मनाया गया था। आप लोगों को ज्यादा मच्छर तो नहीं लगे शनिवार के दिन, ऐसा तो नहीं हुआ कि शनिवार के दिन शरीर में बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे हो। 20 अगस्त को मनाया जाता है, और ये जो डेट है, रोनाल्ड रॉस नाम है, सर रोनाल्ड रॉस। तो ये जो रोनाल्ड रॉस है ना, मतलब 20 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो रोनाल्ड रॉस है, एक ब्रिटिश आर्मी सर्जन, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो को 1897 में। जो डिस्कवरी थी ना, ये किनके द्वारा लेड की गई थी, जो भी पर्टिकुलर मतलब प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, जो भी आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1902 में था। इसमें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अगस्त, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, किनकी जो है ना जयंती मनाई जाती है 20 अगस्त को, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो पहले पायलट थे राजीव गांधी, इनकी जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे, और फिरोज खान है ना, फिरोज खान और जवाहरलाल नेहरू के पोते थे, ठीक है, फिरोज खान और जवाहरलाल नेहरू के जो है ना ये पोते थे, भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आप सबको पता है कि मतलब फिरोज खान और इंदिरा गांधी या इंदिरा खान, इनकी पहली संतान थे राजीव गांधी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो, जो 20 अगस्त है ना, 20 अगस्त को 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, किस भारतीय महिला पायलट ने उत्तरी ध्रुव पर अपनी उड़ान के लिए अमेरिकी संग्रहालय में जगह मिली है, विच इंडियन फीमेल पायलट वॉज फाउंड अ प्लेस इन द अमेरिकन म्यूजियम फॉर हर फ्लाइट ओवर द नॉर्थ पोल।
सना अग्रवाल, जोया अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी और एनी दिव्या। तो जोया अग्रवाल जो कि जिन्होंने ऑल वीमेन पायलट टीम जो एयर इंडिया की थी लास्ट ईयर उसे लेड किया था, और जो प्लेन था ये नॉर्थ पोल के ऊपर से जो है ना फ्लो करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने जो है ना सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमान संग्रहालय में दिखाया गया है, और एयर इंडिया के जो बोइंग 777 ने रिकॉर्ड तोड़ करतब के दौरान जो उत्तरी ध्रुव को कवर करते हुए 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, है ना। और यहां पर अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा जोया अग्रवाल। समर बद्रू बनर्जी का जो निधन है 20 अगस्त 2022 को हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे। राइट, किस खेल से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो बद्रू जी की अगर आप माने तो राइट आंसर कहला जाएगा फुटबॉल, है ना, फुटबॉल से जुड़े हुए थे बद्रू जी। और यहां पर अगर आप देखें तो पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे जिन्होंने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाया था, 92 वर्ष के थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर इंग्लैंड वनडे के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की तैयारी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर प्रिपेयरिंग टू रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द इंग्लैंड ODI। तो अभी ही मतलब वो निकला था, एक पेपर में लेख निकला था परसों के दिन, झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी जो है ना ये संन्यास लेने की तैयारी पर है ना। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि झूलन गोस्वामी जो है ना एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और ये फॉर्मर कप्तान थी इंडिया की जो नेशनल वीमेन्स क्रिकेट टीम थी। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे देखो, आप सभी जानते हो कि आज के युग में जो है ना एग्जाम सारे ऑनलाइन होने लगे। राइट, आज के युग में एग्जाम जो है ना ये सारे ऑनलाइन होने लगे हैं। और दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप देखें दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक तो आपकी स्पीड और दूसरी आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, एक तो आपकी स्पीड और दूसरी आपकी एक्यूरेसी, ये दो चीजें बहुत मैनेज करती हैं, मतलब रोल प्ले करती हैं, और इन्हीं दो चीजों पर अगर आपने कमांड रखी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट की आप एनालिसिस करेंगे, है ना, तो दोस्तों मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना, इन दोनों चीजों से जो है ना आप में काफी इंप्रूवमेंट होंगे। और अगर अपन टेस्ट बुक पास की बात करें तो दोस्तों टेस्ट बुक पास आपको 590 से ज्यादा एग्जाम्स के 45,000+ ये ऑफर करता है आपको। मॉक टेस्ट 15.9 लाख+ एक्टिव यूजर हमेशा रहते हैं, 13,000+ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं 10 भाषाओं में। और दोस्तों अगर आप RTA पास कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी जो है ना सुपर कोचिंग आपको लगभग हर कैटेगरी में मिल जाती है, चाहे वो कैटेगरी आपकी UPSC से शुरू हो, स्टेट PSC, SSC, डिफेंस, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, बैंक, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी हो आपको यहां पर जो है ना क्या मिल जाएगी, सुपर कोचिंग। तो दोस्तों RA20 कूपन कोड ध्यान रखिएगा, इस RA20 कूपन कोड के द्वारा आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो गाइस आर यू रेडी, किस चीज के लिए, सो बारी है अब रिवीजन की। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना लास्ट 6 month वाला रिवीजन करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन है, सभी लोग जो देखने आते हैं, आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आंसर करोगे ना होमवर्क क्वेश्चन का, तो ये भी बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कि हम यहाँ पे जो ये रिवीजन रखते हैं ना,
ये हमें मंथली रखना चाहिए या 6 मंथली, राइट? मंथली या 6 मंथ, है ना? ये जरूर आप बताना मुझे, ठीक है? चलिए, सो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वॉज फाउंड इन जून 2022। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई थी 2022 में? मीठे पानी की मछली कहाँ पे पाई गई थी दोस्तों? सभी जानते हैं, राइट आंसर कहला जाएगा कंबोडिया। 300 किलो की स्टिंग्रे मछली थी जो मैकोंग रिवर में पाई गई थी। और ये अगर आप देखो, कंबोडिया में बिगेस्ट फ्रेश वाटर मछली थी जो 3.98 मीटर लंबी, 3.98 मीटर लॉन्ग, और इसके साथ आप अगर देखें तो 2.2 मीटर वाइड, 2.2 मीटर यहां पर क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है? आगे देखिए, किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी है? इन विच कंट्री इंडियन ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट? सऊदी अरब, थाईलैंड, ईरान और मलेशिया। वेरी गुड आदित्य, सऊदी अरेबिया नहीं, मलेशिया इसका राइट आंसर कहला जाएगा, ठीक है? मलेशिया में जो है ना, तो इन्होंने सेटअप करने का, गरुड़ एरोस्पेस पार्टनर जो है ना, मलेशियन ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ में सेटअप करने के लिए जो है ना, 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट है ये कितने का किया गया है, 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है? और ये 2015 में जयप्रकाश जी के द्वारा फाउंड किया गया था गरुड़ एरोस्पेस को। जो गरुड़ एरोस्पेस है, इसे किसके द्वारा फाउंड किया गया था? सो इसे फाउंड किया गया था साल 2015 में। जयप्रकाश जी के द्वारा, ठीक है? आगे देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द रिपोर्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? पेरिस, बैंकॉक, लंदन और वियना। किस शहर को इसमें जो है ना प्रथम स्थान दिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर कहला जाएगा वियना, ठीक है? वियना इसका राइट आंसर कहला जाएगा। और दिल्ली की जो रैंक है ना, मतलब ऑस्ट्रियन कैपिटल है ये, ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहलाती है वियना, ठीक है? इसे स्थान दिया गया है। और जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? जो जनरल डायरेक्टर जनरल है ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, जून 2022 में कौन बनाए गए थे? तो आप सभी जानते हैं, मिस्टर दिनकर गुप्ता है ना, जो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, इन्हें अपॉइंट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो नेशनल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अवार्ड है, तो ये किस राज्य को सम्मानित किया गया दोस्तों? उड़ीसा, है ना? आप सभी जानते हैं कि जो उड़ीसा है ना, तो उड़ीसा को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है बिकॉज यहाँ पे जो इसका कंट्रीब्यूशन है ना एमएसएमई के डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आपका बिहार और हरियाणा आ जाता है। किस देश में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसे अपन कहते हैं, विदेश लिमिटेड ने जून 2022 में तेल की खोज करी है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज मेड एन ऑयल डिस्कवरी इन जून 2022। तो दोस्तों कोलंबिया इसका राइट आंसर कहला जाएगा। इन्होंने कहाँ पे तेल की खोज करी है? तो कोलंबिया में तेल की खोज करी है, और कोलंबिया में एक लानोस बेसिन है। लानोस बेसिन है,
कोलंबिया में, यहां पर इन्होंने जो है ना तेल की खोज करी है, राइट। और कोलंबिया की कैपिटल आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहला जाती है बगोटा, है ना। और पेसो यहां पे चलती है करेंसी। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन 24 जून 2022। भारत ने 24 जून 2022 को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आकाश, बराक, त्रिशूल और VLSR-SAM। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा, VLSR-SAM ना। VLSR-SAM का मतलब यहां पर क्या होता है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है, जून में मनाया जाता है हर साल, और जून का जो अंतिम दिन होता है जिसे 30 जून कहा गया, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून को हर साल। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। सो दोस्तों यहां पे राइट आंसर कहला जाएंगे कौन, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इसका राइट आंसर कहला जाएंगे। और परमेश्वरन अय्यर जी को जो है ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, राइट। किसने दोस्तों यहां पर किया है ये परीक्षण, तो सही उत्तर कहला जाएंगे अभ्यास, है ना। अभ्यास अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा अभ्यास जो है ना, तो इसके द्वारा मतलब जो एक इंडिजिनसली डिजाइन अभ्यास है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसको अपन हीट कहते हैं, सो इससे रिलेटेड है। और ये आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल मनोज पांडे हैं अभी वर्तमान में चीफ। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना जिसको मेडिसेप कहा गया ये शुरू करी है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेडिसेप अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तेलंगाना, केरला, आसाम और गोवा। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा इसका, केरला इसका सही उत्तर कहला जाएगा, ठीक है। केरल इसका राइट आंसर कहला जाएगा। और केरल की सरकार के द्वारा जो है ना ये रोल आउट किया गया था मेडिसेप, जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ठीक है। ऑफिशियल एम्बलम ऑफ ICAI जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का आधिकारिक प्रतीक क्या है, राइट। ICAI जिसको बोला गया, तो इसका ऑफिशियल प्रतीक क्या है, तो आप सभी जानते हैं ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये ICAI का फुल फॉर्म कहलाता है। और इनका अगर आप आधिकारिक प्रतीक देखें तो ईगल, जिसे गरुड़ कहा गया, है ना, ये इसका राइट आंसर कहला जाएगा दोस्तों। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा, राइट आंसर कहला जाएंगे रोनाल्डो सिंह, है ना। रोनाल्डो सिंह इसका राइट आंसर कहला जाएंगे। जो साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह हैं, इन्होंने हिस्ट्री बनाया जब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता सीनियर कैटेगरी, जो स्प्रिंट लेवल है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। तो दोस्तों राइट आंसर क्या कहला जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है, सो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर कहला जाएगा, G20 का शिखर सम्मेलन जो होने वाला है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंटरनेशनल समिट है जो कहां पे होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में।
किस राज्य ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है ना, तो कमीशन किया गया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वाटर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों केरल इसका राइट आंसर कहला जाएगा, है ना, केरल इसका राइट आंसर कहला जाएगा। और यहाँ पे जो कमीशन किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वाटर प्रोजेक्ट जो है ना, केरला में। लीजेंडरी हॉकी प्लेयर ऑफ एंड ओलंपिक मेडलिस्ट पास्ड अवे ऑन 27 जून 2022। महान हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का 27 जून 2022 को निधन हो गया। सो इन्हें दोस्तों कहते हैं अपन वरिंदर सिंह, ठीक है, वरिंदर सिंह जो है ना, तो इनका निधन हो गया। ओलंपिक और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रहे हैं जिनका निधन हो गया है दोस्तों। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन जून ईच ईयर। साथ ही साथ साल 2022 की इस दिवस की थीम क्या थी, ठीक है? मतलब आप जब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन मत लिखना, ठीक है? जो भी लिखना तो आप पहले यहां पर डे, फिर उस दिन की थीम क्या थी। और याद रखना, एक दूसरे को कॉपी मत करना, अदरवाइज सब गलत कर जाओगे, ठीक है? ये आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। सो दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं सुपर कोचिंग के बारे में। और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, सबसे पहले सुपर कोचिंग मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो भी आपका ऑल नीड, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नीड ऑफ एसएससी एस्पिरेंट। 20+ वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं आपको 5+ सुपर टीचर्स के। एडिशनली आप एक्सेस मिलती है जो डेली लाइव क्लासेस हैं एक्सपर्ट्स के, और 3000+ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट, 200+ स्टडी नोट्स, राइट, ये और क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशन मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आप एसएससी का जो मतलब ये सेशन सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो एसएससी के सेशन को सब्सक्राइब करने के लिए 333 रुपीज पर मंथ आपको चार्ज होगा। और अगर आप RA20 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, सो यू विल गेट 20% ऑफ, 20% का आपको जो है ना ऑफ भी मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा, RA20 काफी इंपॉर्टेंट कूपन कोड है सिर्फ ऑल जो सुपर कोचिंग्स है, ठीक है, सारी की सारी सुपर कोचिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। RA20 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, ठीक है? सो जाने से पहले देखो, मैंने आपको कूपन कोड के बारे में बताया था। एक्चुअल में दोस्तों दो कूपन कोड है, ठीक है, दो कूपन कोड है जिनसे आप testbook.com के प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ले सकते हैं, राइट। पहला तो मैंने आपको बताया RA20, ये RA20 जो है ना टेस्टबुक सुपर कोचिंग में आपको डिस्काउंट दिलाएगा। RTA पास अगर आप देखो दोस्तों, तो ये टेस्टबुक पास में आपको डिस्काउंट मिलाएगा, ठीक है? अच्छा, इसे कहां से अवेल कर सकते हैं? सो देखो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर लिंक दिया गया है, जब आप इस लिंक को ओपन करिएगा तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? यहाँ हम मिलेंगे अगले सेशन में दोपहर 1 बजे, राइट, जो जीके का अपना सेशन होता है। अभी के लिए इतना ही, सिन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।